अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उफक द स्मार्ट ब्लॉगर। और इसके अंदर आप आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच था, जिसके अंदर इंडियन बीजे ने सुबह से ही दिमाग की दही बनाई हुई थी कि बस आज जो है ना राशिद खान यूं बॉलिंग कर दे तो फलाना खान यूं बैटिंग कर दे और यूं कर दे वूँ कर दे। बस सो सिंपल ये कि बस उनका बस नहीं चल रहा था। वो बोले कि स्टेडियम में ना टॉस के बाद न्यूजीलैंड के कैप्टन को चल भाई चल निकल हार हरा दिए तुम्हारे को जाओ यहाँ से, ताकि इंडिया का जो है ना रास्ता क्लियर हो जाए वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन भाई विलियमसन ने और दूसरे जो इनके प्लेयर्स थे उन्होंने तो क्या खेला है, 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंडियन फैंस और अफगानिस्तानी फैन जो हैं वो तो भाई दुआएं कर रहे थे कि बस अफगानिस्तान जीत जाए। ये देखें धोनी तंगी कर रहा है और ये अब इनके उसके बाद इनका टिकट कटी है दिल्ली के लिए। मतलब खड्डा खोदने वाले और खड्डा खुदवाने वाले दोनों के दोनों ही टूर्नामेंट से बाहर, जरी लोग बाहर। और ये देखें हमारे बाबर आजम और स्कॉटलैंड, इनका आज मैच हुआ। पाकिस्तान ने क्या शानदार फतह हासिल करी है 72 रन से, मज़ा आ गया। ये होते हैं मैच जो कि नज़र आ रहे होते हैं कि मैच हो रहा है, कि दोनों ही टीमें खेलने आई हैं। ये थोड़ी कि एक चने बेचने आई है और एक खेलने आई है कि 63 रन से हरा दिया जी, 12 ओवर से हरा दिया आके इंडिया ने। ऐसा इंडिया है अच्छी टीम है पर इतनी भी अच्छी टीम नहीं है कि सामने वाली के चने बेचने आई है कि वो अंधाधुन मारी जा रही है। वैसे अफगानिस्तान ने बड़ी मेहनत करी इंडिया को टीम टूर्नामेंट वापस लाने की, लेकिन हमारे मलिक ने ओहो राहुल खेल क्या इकरार है 18 गेंदों पर 50 बनाकर। शेब मलिक ने यंग बॉय इसने क्या खेला है, 18 गेंदों पर 54 रन मार दिए। शाहीन अफरीदी ने ज़बरदस्त बॉलिंग करी और ये इमाद का रन आउट। आप ये देखें मोहम्मद रिजवान को विकेट के पीछे से बोल रहा है यहाँ से करा यहाँ से बस आउट हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ आउट हो जाएगा, और शादाब ने बॉलिंग करी और आउट हो गया। मतलब नज़र आ रही होती है एफर्ट इन लोगों की ना इस टाइम पे, क्लियर मिरर जो हमारी टीम खेल रही है वो पूरे टूर्नामेंट में शायद एक दो टीमें और खेल रही होंगी, लेकिन इंडिया के प्रेशर में सारी टीमें खेल रही हैं सिवाय पाकिस्तान के। लेकिन अब तो पाकिस्तान ने इंडिया को भारी कर दिया ना, टूर्नामेंट नहीं होगा अच्छा नहीं लगता इंडिया के बगैर, टूर्नामेंट अच्छा नहीं लगेगा इंडिया के बगैर। अब क्यों नहीं अच्छा लगेगा, दूसरी टीमें क्या करने आई हैं भाई, अनबीटेबल टीम है हमारी इस टाइम पर, नंबर 1 टीम है दोनों ग्रुपों में और रन रेट भी अच्छा है और मैचेस भी पूरे पूरे जीती हुई है। तो आज की जो बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग हर शोबे में पाकिस्तान ने आउट क्लास किया और सामने वाली टीम को भी रिस्पेक्ट दी है, ऐसा थोड़ी कि उसको बस दिमाग चढ़ चढ़ कर दिया यार, इतना भी ज़्यादा नहीं होता। हाँ खरीदी हुई टीम जो होती है वो अलग ही नज़र आती है। और पाकिस्तानियों ने अच्छा खेला, पाकिस्तानी फ़ैन भी खुश थे जब ये जीता। और इसके अलावा इंडिया को हम रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं, इंडिया की भावनाओं की कदर करते हैं। लेकिन इंडिया अफसोस 2021 इंडिया के लिए बहुत नुकसानदेह है, अफगानिस्तान के अंदर पैसा लगाया नुकसान हो गया, अफगानिस्तान की टीम के ऊपर पैसा लगाया नुकसान हो गया, टूर्नामेंट पे पैसा लगाया नुकसान हो गया। तो इंडिया को जो बुरा काम करेगा उसको नुकसान ही होगा चाहे वो कुछ भी कर ले। पाकिस्तान की टीम क्लियर मिरर खेल रही थी, अनबीटेबल है और इज्जत के साथ खेल रही है, इज्जत के साथ टूर्नामेंट में अलग ही पहचान बना ली है इसने। तो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई उसने पैसा लगाया, किसने लगाया किसने नहीं लगाया, चीटिंग करी फ्रॉड किया ये करा वो करा, जो भी है पाकिस्तानी बैट्समैन प्लेयर्स ये मैच फिक्सिंग में पकड़े गए फंसाया गए इनको, लेकिन उन्होंने ICC ने सज़ा भी दी। लेकिन अब इंडिया क्या होगा, ये हमारे बाबर आजम अपनी पूरी टीम के साथ इंशाल्लाह हम जीतेंगे इस फाइनल को, जीतेंगे नहीं तो फाइनल तक तो पहुंचने की कोशिश करेंगे। सेकंड टीम हम पसंद नहीं करते, लेकिन यही कि फर्स्ट टीम की ख्वाहिश है इस टूर्नामेंट में, लेकिन सेकंड भी हुई तो कोई इशू नहीं है। हमारे शेब भाई 54 रन 6 सिक्स 14 18 बॉल्स, स्ट्राइक रेट 300 और इनके फैमिली भी आई हुई थी। ये हमारी टीम के कैप्टन बाबर आजम हराने के बाद घर भी भेज दिया दोनों टीमों को, क्या बात है बाबर आजम। आप लोग टीम के लिए दुआ करते रहें और पाकिस्तानी टीम इस तरीके से खेले कि इसके खेलने के लिए हमारे मुल्क में क्रिकेट आए। तो आप इसी तरह मैच देखते रहें, इस ब्लॉग को देखते रहें और इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और पाकिस्तानी टीम को दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।